नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जब तक कामयाबी नहीं मिलती, तब तक हम जीत और मेहनत करेंगे। आगे बढ़ने के लिए वह सब काम करेंगे जो हमें भविष्य में काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पेपर 2017 हिंदी महाराष्ट्र सेट सेकंड क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ऐसा है, 50 प्रश्न रहेंगे, 75 मिनट रहेगा और 100 मार्क्स रहेगा, सबको पता ही है। चलिए, भारत में प्रचलित प्राचीनतम लिपि थी खरोष्टी, गुप्त, कुटिल और नागरिनी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय दक्षिण में हिंदी भाषा प्रचार आंदोलन का केंद्र रहा वो है मद्रास। मद्रास हिंदी प्रचार सभा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है, वाक्य में प्रयुक्त होने से शब्द की सत्ता हो जाती है पद। उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आधुनिकता का अभिलक्षण नहीं है, वह है सामंती बोध। उसके बाद आता है, एज्रा पाउंड ने किस सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व दिया था, वो है बिंबवाद को। एज्रा पाउंड ने सर्वाधिक महत्व दिया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है, वह है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन नहीं है, ये भट्ट लोलट है, भट्टनायक है और अभिनव गुप्त है, भट्ट शंकु के गाता है। उसके बाद आते हैं, इनमें से कौन सा, सेवेंथ क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, नहीं है पूछा है, हम विष पाई जन्म के, ये नहीं है, ये किसकी है, बालकृष्ण शर्मा की है। सात गीत वर्ष, सपना अभी भी, कनुप्रिया, ये धर्मवीर भारती की है। उसके बाद चलते हैं, इनमें से आठवें क्वेश्चन पे, इनमें से किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो निराला जी को नहीं मिला है, मिलना चाहिए था, क्यों नहीं दिया पता नहीं। सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा और दिनकर, इन तीनों को मिल चुका है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता किस नदी पर आधारित है, वो है कुआनो नदी पर। गंडक नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, ये नहीं है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, ये है बालकृष्ण भट्ट। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर, कौन कौन सा कवि भारतेंदु मंडल में था, तो है ठाकुर जगमोहन सिंह। श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय और अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये भारतेंदु मंडल में नहीं थे, ये बात क्या है। उसके बाद चलते हैं, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष थे नागरी प्रचारणी सभा काशी। ओके, ये सब देख लीजिए, लीडर प्रेस, सरस्वती प्रेस, साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, ये हिंदी से संबंधित ही है, तो इनको देख लेना भी जरूरी है। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से रचना काल की दृष्टि से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है, द्विवेदी युग का नहीं है बताया है, तो श्याम नारायण पांडे द्विवेदी युग का नहीं है। रामचरित उपाध्याय, रूपनारायण पांडे और लोचन प्रसाद पांडे, ये सब ये द्विवेदी युग के कवि है। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये बात हो रही है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इनमें से कौन सी प्रबंध रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, यह है मैथिली शरण गुप्त की उर्मिला। जय जयद्रथवध, विष्णुप्रिया, साकेत, ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने माना है, तो यह है रामचंद्र शुक्ला ने माना है। इनमें से जयशंकर प्रसाद की कौन सी लंबी कविता है, तो जयशंकर की लंबी कविता है पूछा है, तो पेशोला की प्रतिध्वनि। इनमें से किस महाकाव्य, 17वां क्वेश्चन, इनमें से किस महाकाव्य में आधुनिक सभ्यता की विसंगतियों पर प्रखर काव्यात्मक आक्रमण हुआ है, यह है कामायनी। देखिए 18वां क्वेश्चन, तहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे, कामायनी में वसंत का दूत का संबोधन किससे दिया गया है, तो श्रद्धा को।
15 साल गए, और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य है कामायनी। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि नहीं है? तो है बच्चन, बच्चन जी, श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा मतलब राष्ट्र से संबंधित लिखे हैं, लेकिन बच्चन का तो हलावत था ना, उस पे ऊपर लिखा है बच्चन जी ने। बच्चन सिंह अलग है और हरिवंश राय बच्चन अलग है। इनमें से कौन दूसरा सप्तक का कवि है? तो रघुवीर सा है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ आपको यही बोलता हूँ कि जो चार सप्तक निकाले थे अज्ञेय जी ने, वो चारों सप्तक के कवि अगर आप रट लेंगे, कवि को पढ़ लेंगे, कवि को देख लेंगे, उनकी उनका सब कुछ देख लेंगे, तो आधुनिक काल के ज्यादातर कवि ये आगे आके यही लोग फेमस हुए हैं। तो ये आपको हिंदी साहित्य जानने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये मैंने भी किया है, तो इसलिए आपको भी इजी हो जाए, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो प्रत्यभिज्ञा, ये कामायनी का मूल दर्शन है। देखिए कामायनी पे 4-5 क्वेश्चन हो गए। अपनी कब्र किस लेखक की आत्मकथा है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र। सबसे मतलब जी खोल कर लिखने वाली, पूरा डिक टू डिक लिखने वाली, लिखने वाले उग्र जी। ये बहुत जबरदस्त आत्मकथा है, मैंने थोड़ा पढ़ा है इसको। यशपाल निर्मला भीष्म साहनी की नहीं है। इनमें से डॉक्टर रामलीला शर्मा की रचना नहीं है। तो आधुनिक हिंदी काव्य में रूप और विधाएं, तो आगे चलकर जो आधुनिक काव्य लिख रहे थे लेखक या कवि या आलोचक, उनकी जो लेखनी है ज्यादातर आलोचना किया है, लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ जो आलोचना किया है, आलोचना में जो भी आलोचना, जो भी लेखक अपना आलोचना या आलोचक आलोचना किया है, उनके नाम बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। आगे देखेंगे, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, एक दो शब्द में नहीं है नाम, पूरा ऐसा एक वाक्य जैसा आ गया है। जैसा कि आधुनिक हिंदी काव्य में रूप और विधाएं, मानव सभ्यता का विकास, लोक जीवन और साहित्य, ऐसे हो गए। मतलब वो आलोचना, आलोचक आलोचना के नाम को बढ़ाया गया है। 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ईसाई साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल का चित्रण किस उपन्यास में है? परीक्षा गुरु। इस पे पहला उपन्यास है हिंदी साहित्य का, नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में भी इसको ऐड किया गया है, तो आपको इसको देख लेना, बहुत जरूरी है। नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न और निशा हिंदू, ये सब अय्यारी और जासूसी उपन्यास है। हिंदी के तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी, ये आते हैं ना तीन। हिंदी की तीन शैली का संगत वर्ग कौन सा है? तो हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, ये याद रखिए। सरल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कठिन लगने लगते हैं और ज्यादा कंफ्यूज में डालते हैं, क्योंकि हम सरल है इसलिए पढ़ने नहीं जाते। भारतेंदु, 25-27 का क्वेश्चन है, भारतेंदु की काव्य रचनाओं का संगत वर्ग कौन सा है? चतुरंग, उरेहना, बसंत होली, मानसोपायन। ओके, आगे चलते हैं 28वें क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों का संगत वर्ग कौन सा है, बताइए, पूछा है। अशोक के फूल, पढ़िए इसको, बहुत जबरदस्त है। हिस्ट्री को बताया गया है, जैसे प्रसाद जी ने अपने नाटक में हिस्ट्री को जैसे खंगालते हैं और ऊपर निकाल के हमें बताते हैं, गड़े मुर्दे उकाड़ते हैं, उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध लिखे हैं। ऑलमोस्ट ऑल उनके सब जो है हिस्ट्री से संबंधित ही उन्होंने ज्यादा काम किया है, ऐसा मुझे लगता है। विचार प्रवाह, कल्पलता और कुटुज। ओके, 29वें क्वेश्चन पे आते हैं। प्रबंध काव्य की दृष्टि से संगत वर्ग कौन सा है? मधुमालती, जहांगीर जसचंद्रिका, बेली कृष्ण, रुक्मिणी री, बिसलदेव रासो। ओके, आगे चलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं, कहाँ से लाते हैं पता ही नहीं चलता, जितना भी पढ़ लो। नया वो जो 18 ग्रंथ है हिंदी साहित्य के, उससे निकाल के लाते हैं, पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं। मतलब ऐसे एक एक ऐसे नाम आ जाते हैं, मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं, वैसे नाम आ जाते हैं, सबको वैसा ही लगता है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की एकांकी रचनाओं का संगत वर्ग कौन सा है, ऐसा पूछा गया है। तो ये होगा सी, प्रतिभा का विवाह, मृत्यु, आदमखोर, शेरनी और आग। आगे चलते हैं 31वें क्वेश्चन पे।
केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचना का संगत पर कौन सा ऐसा पूछा है, ये होगा हे मेरी तुम पंख और पतवार आग का आईना लोक और अलोक। आगे चलते हैं 32वें क्वेश्चन पर। सियाराम शरण गुप्त की काव्य रचना संगत पर पूछा है, दैनिक डी होगा, दैनिक नकुल, नोआ खाली, जय हिंद। 33वें क्वेश्चन पे आते हैं, श्रीधर पाठक की रचनाओं का संगत वर्ग, मतलब ये करने में नेट एग्जाम या जो भी सेट एग्जाम है ये क्वेश्चन करने में संगत वर्ग वाला पसीने पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इतने सारे रचनाओं का नाम याद रखना होता है, उसके साथ उस कवि की कालक्रम अनुसार जुड़ाना होता है, ये सामान्य बात नहीं है, इसको मतलब घोल के पिजाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी ये सब याद रहेगा। तो देखिए 33 का क्या है, डी होगा, गोखले प्रशस्ति, देहरादून, गोपी का गीत, भरत गीत। आगे चलते हैं 34वें क्वेश्चन पे, भिखारी दास की रचनाओं का सही वर्ग है, यह है सी, काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय और विष्णु पुराण। 35वें क्वेश्चन पे चलते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का संगत वर्ग पूछा है, तो है अंधा कुआं, मिस्टर अभिमनी, एक सत्य, हरिश्चंद्र और कर्फ्यू। इसके बाद चलते हैं 36वें क्वेश्चन पे, उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर लेखन करने वाले लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम है, वैद्य शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, भगवत चरणमा और हरिवंश राय बच्चन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आगे वृंदावन लाल वर्मा के नाटकों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम पूछा है, तो राखी की लाज, फांस की फांस, खिलौने की खोज, निस्तार। ओके, 38वें क्वेश्चन, जयनेन्द्र के निबंध संग्रहों का संगत वर्ग पूछा है, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार और मंथन। 39वां क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से राजेंद्र यादव के उपन्यासों का सही क्रम पूछा है, प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, अंधे का अनजाना पुल। आगे 40वें क्वेश्चन पे, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम पूछा है, भोर का तारा, ए होगा भोर का तारा, मकड़ी का जाला, खिड़की की राह और शारदीय। उसके बाद यह सुमेलित कीजिए वाले आ गए क्वेश्चन, दो 10 क्वेश्चन ये आएंगे 41 से 50 तक, निम्नलिखित विचारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए है, कालरिज का क्या है, 3वां होगा कल्पना, रिचर्ड का 4th होगा संप्रेषण, इलियट का 1 होगा परंपरा, जैक देरिदा का होगा 2 विखंडन। उसके बाद 42वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों को उनकी भाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए है, तोलिया का क्या होगा, पुर्तगाली होगा, या तुरुप का होगा डच, तुरुप का यक्का बोलते हैं ना, तो मेन चाय होगा चार चीनी, मोर्चा ये होगा 2 फारसी, मोर्चा संभालना। निम्नलिखित लेखकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, तो देखिए साहित्य की महत्ता देखिए 2 होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल, साहित्य और लोक जीवन यह है रामलीला शर्मा। मैं बोला ना आधुनिकता में आते आते ये जो लेख या किताब के नाम है वो बड़े हो गए, साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति यह है 1 नंददुलारे वाजपेयी। कभी आप अटक जाओ, कभी आप अंदाजा लगाओ कि आप इन नामों पर भी ये मतलब किस काल के कवि की रचना है, ऐसा आप गेस लगा सकते हैं, 100% करेक्ट नहीं होगी लेकिन आप गेस तो लगा सकते हैं कि ये बड़ा नाम आ रहा है तो ये आधुनिक काल के लेखकों की ही रचना होगी, ऐसा कुछ आप सोच के आप उस मतलब उसका आंसर दे सकते हैं, मतलब तुक्का लगा सकते हैं, कहने का यह तात्पर्य था। गोदान के पात्रों को उनके पेशों के साथ सुमेलित कीजिए, पंडित ओमकार नाथ का है क्या है संपादक थे, मिस्टर मेहता 4 दर्शन के अध्यापक थे, श्याम बिहारी तेखा क्या थे, एक
बीमा एजेंट, और मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना क्या था, टू बैंक मैनेजर। निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, तो चारू मित्रा, चारू मित्रा का क्या है, फोर्थ रामकुमार वर्मा, कलिंग विजय उसका है जगदीश चंद्र माथुर, वह फिर आई थी फिफ्थ होगा उसका गणेश प्रसाद द्विवेदी, तेग बहादुर की भविष्यवाणी इसका टू होगा सेठ गोविंद दास, 46 स्थापना और तर्क मतलब पांच पांच क्वेश्चन के सुमेलित कीजिए, पांच और स्थापना तर्क पांच ऐसा कर दिया है इसमें। तो चलिए देखते हैं स्थापना तर्क 46वां क्वेश्चन। स्थापना क्या है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, ये शुक्ला का कोटेशन है, उसी के माध्यम से मतलब साहित्य के माध्यम से जातीय परंपरा और सामाजिक स्थिति का व्यवस्थित विवेचन किया जाता है। तो देखिए तर्क यह है, स्थापना तर्क दोनों सही है, सही बोला है। अष्टाचार्य कवियों के अनुसार कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम रूप सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए तर्क क्या देते, कृष्ण योग साधना का संदेश देते थे, नहीं ये गलत है, सही है स्थापना, तर्क गलत है। उसके बाद 48वां क्वेश्चन है, स्थापना है, धर्मांतरण रोकने का प्रथम प्रयास स्वामी रामानंद ने किया था। देखिए आगे, हरि को भजे सो हरि का होए, जाति पांति पूछे ना कोई, ये इनकी नहीं है, ये होगी कबीरदास की होगी, है तर्क कबीरदास का होगा, लेकिन स्थापना ये रामानंद जी का ही है। देखिए, आचार्य भिखारी दास सर्वांग निरूपक आचार्य थे, सर्वांग मतलब सभी अंगों का निरूपण करने वाला आचार्य भिखारी दास ने सब काव्यांगों का औरों से अधिक एवं विस्तृत प्रतिपादन किया है। तो देखिए सही है, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। तो चलिए आगे देखते हैं 50th क्वेश्चन पे। प्रत्यभिज्ञा में थोड़ा सा अंश प्रत्यक्ष होता है और बहुत सा अंश उसी के संबंध से स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। प्रत्यभिज्ञा की व्यंजना किसी व्यक्ति को देख पूर्व मिलन को स्मरण करने में होती है। तो देखिए स्थापना और तर्क दोनों सही है। देखिए दोस्तों, एक आपको अच्छा लगा, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो पैसे ही उठा के वीडियो नहीं बना सकते, पढ़ना पड़ता है, कुछ जानकारी देनी पड़ती है, तथ्य देखना पड़ता है, सब कुछ होता है। तो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। अच्छा लगे आपको, आम उपयोग में आ रहा है, मतलब अब क्या है 15-18 मिनट में आप एक क्वेश्चन पेपर देख ले रहे, तो ये आपके लिए उपयोगी होगा ना। यहाँ पे आए तो बिना लाइक और बिना शेयर किए सब्सक्राइब किया मत जाइए दोस्तों, क्योंकि इससे हमें हिम्मत मिलती है, जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ते हैं अच्छा लगता है। हमारे देश में ये विडंबना है कि क्या है कि एंटरटेनमेंट को करोड़ों लाखों करोड़ों का लाइक और व्यूज जाता है, लेकिन एजुकेशन वीडियो को कोई निकाल के देखने वाला नहीं है। तो हमारे को एजुकेशन ज़्यादा, इन लोगों को क्या है एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए। तो ये कहते हुए सब आराम रहिए, कोरोना में स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।